नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। इंडियन स्पाइनल इंजीनियरिंग सेंटर के सहयोग से मणिपाल फिजियोथेरेपी सेंटर में 2 दिवसीय फ्री मेगा कैंप का होगा आयोजन। आज मणिपाल फिजियोथेरेपी सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि इंडियन स्पाइनल इंजीनियरिंग सेंटर के सहयोग से 2 दिवसीय फ्री मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए डॉक्टर काली दत्ता दास और डॉक्टर दीपक रैना आए हुए हैं। वहीं इस 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेगा कैंप में लोगों के कई बीमारियों का मुफ्त में जांच किया जाएगा, जैसे मधुमेह रोग, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप जैसे कई रोग हैं। साथ ही रोगियों को मुफ्त में दवाइयां भी दी जाएगी। वहीं संस्थान के कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। उन्होंने कहा, यह कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य है कि शहर के लोग स्वस्थ रहे, तभी हमारा देश विकसित और विकासशील बनेगा। कुछ बीमारियों के लिए तो फिजियोथेरेपी का ही इलाज है, और कुछ जो इवन स्वस्थ लोग हैं उनको जानकारी बढ़ाने के लिए कि आगे भी वो स्वस्थ रहे, फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल है। कुछ कंडीशंस में फिजियोथेरेपी प्राइमरी कॉन्टैक्ट भी होता है मरीज के लिए, और अगर वो रिकॉग्नाइज करे कि ये बीमारी अब फिजियोथेरेपी से आगे नहीं चल सकती है, ठीक नहीं हो सकती है, तो वो एक माध्यम बनते हैं कि आगे वो सर्जन तक बात पहुँचाए। भागलपुर में इस सेंटर पर कई अत्याधुनिक मशीनें हैं, तो अब इंडिया लेवल पर इलाज हो रहा है यहाँ पर, ये कितनी अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। अवेयरनेस बढ़ रही है, मरीजों में भी कॉन्फिडेंस आ रही है, कई मरीज ठीक भी हो रहे हैं, और उससे ये भी है कि करेक्ट डायग्नोसिस बन रही है। क्या लगता है क्रांति आएगी मेडिकल साइंस में फिजियोथेरेपी के जरिए, जिस तरह से बिहार में अब इलाज संभव हो पा रहा है? फिजियोथेरेपी एक सर्जरी का भी एक अभिन्न अंग है, सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। आप पर मिलके चले तो ज़्यादा अच्छा है। सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट में आपस में कोऑर्डिनेशन होना, कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। कैंप का अर्थ है कि जो टेक्नोलॉजी है या जो ज्ञान है उसको विस्तार से बांटा जाने के लिए, जो सुविधाएँ बाहर मिल रही है या जो सुविधाएँ आप तक पहुँच सकती है उसकी आधार पे कैंप बनती है। एक तो अवेयरनेस के लिए, दूसरा है कि कभी कभी मरीजों को एक डर सा रहता है, कुछ वहम रहता है कि शायद ये काम अगर की जाए या ऑपरेशन की जाए इससे फायदा नहीं होता है, ये इससे क्षति ज्यादा होता है। तो जनरली स्पाइन से जुड़े हुए बहुत सारे वहम एंड सुपरस्टिशंस होती हैं। उसी तरह से घुटनों की ऑपरेशन एंड घुटनों की इलाज के साथ बहुत वहम से भी होता है। तो कैंप के माध्यम में 2 चीजों की अचीवमेंट होती है कि यस, दीज आर सेफ सर्जरीज, इट कैन बी डन, व्हाटएवर इज लोकली पॉसिबल विल बी लोकली एड्रेस्ड, इफ विद एक्सरसाइजेस, मेडिकेशंस, फिजियोथेरेपी, नॉन इंटरवेंशनल टेक्निक मरीज को आराम मिलता है, तो शायद इसको आगे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है जो कभी वजन के साथ, बदलाव के साथ बॉडी उसका संभाल नहीं पाता है, तो स्ट्रक्चर की बदलाव या सपोर्ट के लिए ऑपरेशन करने की जरूरत होती है और ऑपरेशन सुरक्षित होती है। पहुंचे बार किस किन तरह के मरीजों को देखा जा रहा है? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणव हूं और मणिपाल फिजियोथेरेपी का डायरेक्टर हूं, और पिछले 20 वर्षों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और भागलपुर की जनता की सेवा कर रहा हूँ। और आज हमारे साथ डॉक्टर काली दत्ता दास सर हैं, जो कि स्पाइनल इंजरी सेंटर में स्पाइन सर्विसेज के डायरेक्टर हैं। फिर हमारे साथ डॉक्टर दीपक रैना सर हैं, जो कि रोबोटिक सर्जन हैं और ऑर्थोपेडिक्स के हेड हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य था कि ऐसे मरीज जो कि अपना इलाज कराने के लिए बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं, तो उनको वो सर्विसेज भागलपुर में हम उपलब्ध कराएँ, ताकि उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। और ऐसा हुआ भी, हम लोगों ने देखा कि बहुत दूर दूर से, यहाँ से कि डाल्टनगंज से, पटना के आसपास से, पूर्णिया से, कटिहार से और जमुई से काफ़ी सारे पेशेंट यहाँ पर आए, और भागलपुर के तो ज़्यादा थे, जो पेरिफेरियल एरिया में से छोड़ के दूसरे जिला के भी पेशेंट आए। तो हम लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग और भी लोगों को मदद कर पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मणिपाल फिजियोथेरेपी सेंटर भागलपुर में। लगभग 250 मरीज का रजिस्ट्रेशन हुआ था कल तक हमारे पास, जिसमें से 100 जो थे वो स्पाइन के मरीज थे,
स्पाइन से रिलेटेड और 150 जो थे वो घुटने से घुटने के दर्द से संबंधित थे। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, तो बहुत अच्छा रहा, पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। आई होप दोनों डॉक्टर बहुत अच्छे से समझाएं सारे मरीज को, वो भी बहुत अच्छे से समझे, हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हम चाहेंगे जैसे सर बताए हर महीने वो आने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए और हम चाहेंगे हर महीने वो हमारे पास आए और मरीज को भी फायदा हो साथ साथ हमारा भी फायदा। हर गंभीर इलाज का यहाँ पर इलाज हो जाए।